शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ ही अब कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बने नेताओं की नजर प्रदेश में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव पर है। शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री बने हरदीप सिंह डंग ने कहा है, मेरे मंत्री पद क्षेत्र की जनता को समर्पित है। हमारा उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है। मैं मानता हूँ पद अपनी जगह है, लेकिन जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता में है। वही राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है, मेरी क्षेत्र की जनता हरदीप सिंह डंग को जानती है, वो मेरे साथ है। राज्य मंत्री हरदीप सिंह डंग से खास बात की न्यूज़ वर्ल्ड संवाददाता अतुल शर्मा ने। हरदीप सिंह डंग हमारे साथ, मोदी हम सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो बधाई, कांग्रेस ने जो नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिखाया। अब जब क्षेत्र में पहुंचेंगे तो क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे क्षेत्र का विकास हो, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और मैं मानता हूं कि ये जो पद है ये क्षेत्र की जनता को समर्पित है। ये सेवा के लिए जो पद मिला है, मैं मानता हूं कि पद अपनी जगह है, पर सेवा सबसे बड़ी चीज है। और इसमें जो भी क्षेत्र को फायदा हो सके, विकास हो सके, सम्मान हो सके कार्यकर्ताओं का, वो पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि काफी लंबा समय रहा है कांग्रेस का, लेकिन वही कांग्रेस से वहां पे इल्जाम लगा रहे हैं, कई गंभीर इल्जाम भी लगाए। जब क्षेत्र में पहुंचेंगे तो किस तरीके से काउंटर रहेगा? क्षेत्र की जनता हरदीप सिंह डंग को सब जानती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। साफ तौर पर क्षेत्र की जनता हरदीप सिंह डंग को जानती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, हालांकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, अब ये लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे और विकास की जो नारा दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, उसको अपने क्षेत्र में जाके अप्लाई करेंगे। लेकिन काफी दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के अंदर देखते हैं कि ऊंट किस करवा बैठता है। कैमरा आमिर के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।